Today we have to study chapter 5, Song of the Open Road. This poem is written by Walt Whitman. इस पोएम में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे पोएट जो है वो एक ओपन रोड यानी खुला रास्ता चुनने के लिए डिसाइड करता है एंड फाइनली उसके क्या विचार हैं, यही हमें इस पोएम में पढ़ना है. सो लेट्स सी. नाउ रीड द फर्स्ट सेक्शन ऑफ अ फेमस पोएम टू नो व्हाट द पोएट थिंक्स अबाउट टेकिंग द ओपन रोड. सी, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई गो. द पोएट इज सेइंग दैट ही इज सो वेरी लाइट हार्टेड एंड ही इज सो फीलिंग हेल्दी एंड फ्री एंड वॉन्ट टू चूज अ लॉन्ग पाथ एंड जस्ट वॉन्ट टू गो वेर एवर ही डिजायर्स टू. पोएट कह रहा है कि वो आज एक बड़ा लंबा चौड़ा दूरी तय करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर के वो कहीं जाना चाहते हैं. नेक्स्ट इज, हेंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, हेंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर पोस्टपोन, नो मोर नीड नथिंग. डन विद द इंडोर कंप्लेन्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलेस क्रिटिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड. इन दिस स्टैंजा द पोएट इज सेइंग दैट ही इज नॉट गोइंग टू आस्क एनीवन टू प्रे फॉर हिम फॉर हिज गुड फॉर्च्यून एज ही इज द मेकर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून. पोएट कहना चाहते हैं कि मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी गुड लक के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि मैं उसे खुद बना सकता हूँ अपने लिए. अब मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं खुले रास्ते पे चलना चाहता हूँ. अब मुझे बहुत ज़्यादा घर में रहने की या बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने का बिल्कुल मन नहीं है. नाउ आई एम स्ट्रांग इनफ टू ट्रैवल ऑन अ ओपन रोड. नेक्स्ट यू सी, द अर्थ दैट इज़ सफिशियंट, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्सोलेशन एनी नियर इट. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. In this stanza, the poet is saying that he is enough for himself and do not need any support. उसे किसी consolation, किसी तारों की ज़रूरत नहीं है जो उसका भविष्य तय करे. The poet is saying that he knows very well that the consolation, the star, supports to only those who belongs them and he is far away different from all group of peoples. He is strong enough to choose his path and he is determined to achieve his goals. Now next you see that still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. In the last stanza, the poet is saying that he carries so many burdens on him and he is completely related with them. There is a symbiotic relationship between him and his burdens. Though he is already in lot of pressure, yet he is so very normal in that pressure also and he had make up his mind to move on. Poet कहना चाहते हैं कि चाहे ही जैसे situation हो, मैं पूरी तरीके से नॉर्मल हूँ और मैं यहाँ पे एक लंबा रास्ता तय करना चाहता हूँ. मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ी देर टहलना चाहता हूँ, एक गोल अचीव करना चाहता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट द पोएट इज़ सेइंग दैट हमें अपनी लाइफ में बहुत ही नॉर्मल होकर के रहना चाहिए, सारी ड्यूटीज़ को भी निभाना चाहिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, बट जो हमारी लाइफ का टारगेट है उसे भी हमें अचीव करना है. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. रीड इट वंस अगेन एंड गो थ्रू दिस वीडियो. I hope you have enjoyed it. Good day.